आगे की ओर बढ़ते हैं। तथा स्वत धैर्य युक्त महित सयंदने स्थित तो माधव पांडवश्चेव दिव्यो संकोडन पद्मो हमदतु प्रद्मतु। इसके बाद क्या होता है जानते हैं। चिररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में ये विशेषता थी कि इसमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मर जाए पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में सुंदर और सुरक्षित 4 सफ़ेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अर्जीर्ण हो गया था, इसलिए अग्निदेव खांडवन की विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर जलाकर अपना अर्जीर्ण दूर करना चाहते थे। परंतु देवताओं के द्वारा खांडवन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव ये अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उनको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि से उन पूरे वन को जलाकर अपना अर्जुन दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जिसने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते हैं। ये सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के चमकती थी। ये ध्वजा एक योजन 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इनमें न तो बोझ था न ही ये कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटक ही थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उनके रथ की शोभा और तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। माधव पांडवश्चेव माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का। माधव नाम लक्ष्मी पति का है, यह पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। नारायण नमस्कृते नर चेव नवरत्रम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और संजय ने भी गीता के अनंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री विजय विभूत और अटल नीति रहेगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य धृष्टद्युम्न
के रहते हुए ही सारथी बने हुए श्री कृष्ण सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान श्री कृष्ण सारथी बने चाहे महारथी, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वह अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय ही नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे, तभी तो उन्होंने बाल श्री कृष्ण के कहने से परंपरा चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य कि भगवान जिस किसी भी अवस्था में जिस किसी के स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ मुख्य ही रहते हैं, इसलिए भगवान पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया जो स्वयं छोटा होता है, वही उच्च स्थान पर युक्त होने से बड़ा माना जाता है। उच्च स्थान के कारण अपने को बड़ा मानना और स्वयं वास्तव में छोटा ही होता, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने तो उनके कारण वह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया। अब संजय आगे के चार श्लोकों में पुरुष लोकों का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वदन का वर्णन करेंगे। अभी तो महाभारत शुरू हुई है भाई साहब, अभी तो गीता चालू हुई है, श्रीमद् भागवत गीता, जो बहुत ही हमें आनंद देती है, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में पूरी गीता समझा दूंगा, पूरा गीता पढ़ लेंगे आप सभी मेरे साथ, तो सुनने मात्र से आपके काम बनेंगे और पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है। साथ के साथ पढ़ते भी रहिए। जय श्री राधे राधे कृष्ण।